इस फिल्म के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी जात पात धर्म से लेना देना नहीं है। इस फिल्म के जरिए हम अपने देश की मां बहनों को जागरूक करना ही हमारा लक्ष्य है। जनहित में जारी। चाय लेके आओ जल्दी। अरे बाबा थोड़ा सब्र तो करो, ला रही हूँ। चाय लेके आ रही हूँ या बिरबल की खिचड़ी? अरे बाबा आपको तो हर चीज में जल्दी रहती है, अब चाय बना रही हूँ, टाइम लगेगा ना। जल्दी लाओ। ये लो आपकी चाय। थैंक गॉड चाय तो मिली। यार सुबह से ना ये न्यूज वाले ना पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं। क्या क्या दिखा रहे हैं? अरे यार पता नहीं, लड़ाई झगड़े हत्या बलात्कार पता नहीं क्या क्या दिखा। अरे रबी इतना क्यों परेशान हो रहे हो? ये लोग अपनी तरफ से थोड़ी ना दिखा रहे हैं। अब देश में शहर में जो कुछ हो रहा है वही तो दिखा रहे हैं। अब इनकी भी तो अपनी मजबूरी है ना। मोना कहाँ गई है? वो कॉलेज गई है। कॉलेज? संडे को? हाँ वो उसकी कॉलेज में पार्टी है ना, इसलिए गई है। अच्छा हाँ, मोना को फोन करके बोल दो कि शाम को 6 बजे तक घर पे आ जाए, पार्टी में जाना है वर्मा जी के यहाँ। ठीक है। अच्छा मैं अभी नीचे से आ रहा हूँ वॉचमैन से मिलके। मोना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम हो ना मेरे प्यार को नहीं समझती। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें पता है क्या क्या बहाने बनाने पड़ते हैं तुमसे मिलने के लिए। मोना क्या तुम मुझसे सच में प्यार करती हो ना? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। भाभी का फोन है। हाँ भाभी। अरे इतना टाइम हो गया अभी तक तू घर नहीं आई, पता है तुझे तेरे भैया मुझ पे कितना गुस्सा कर रहे हैं? जल्दी आ घर, अगर नहीं आई ना तो तेरे भैया तुझे भी मार देंगे और मेरी भी जान ले लेंगे, समझी? हाँ हाँ आ रही हूँ। क्या हुआ? मुझे जाना होगा, चलो बहुत लेट हो रहा है। चलो बाबा चलो। यार तुम्हारे भैया भाभी ना हमेशा कबाब में हड्डी बन जाते हैं।
अमित, फिर से बंद हो गई तुम्हारी खटारा। अमित, तुम्हें कितनी बार बोला है, इस खटारा को बेचकर नमक ले लो, किसी भंगार वाले को बेच दो। अरे तू मोना डार्लिंग, मैंने कौन सा जानबूझ के खराब कर दिया? अब हो गई खराब यार। जाओ जाओ जल्दी, किसी मैकेनिक को बुला के लेके आओ। ठीक है, मैं मैकेनिक को देखने जा रहा हूँ, तुम गाड़ी के पास जाना ना। हाँ हाँ। गाड़ी का ध्यान देना। अजीब है। हेलो, एक्सक्यूज मी मैम, मैम कैन आई हेल्प यू? नो थैंक्स। मैम एक्चुअली मुझे लगता है आपकी गाड़ी खराब हो गई है, मैं सिटी तक ही जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूंगा। मेरा फ्रेंड आता ही होगा। अरे मैम ये जंगल है और यहाँ पे दूर दूर तक कोई मैकेनिक नहीं है, और मैं वैसे भी सिटी तक ही जा रहा हूँ, आप कहें तो मैं आपको छोड़ दूंगा। यार मोना, क्या करूं क्या करूं, फोन भी स्विच ऑफ है और भाभी तो कब से कॉल कर रही होंगी। लेट हो गई तो भाई जान ले लेंगे, और ये अमित कहाँ मर गया? आइए मैम, आइए आइए ना। वैसे मैडम एक बात बताऊं, ये जगह लड़कियों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, यहाँ पे रोजाना कोई ना कोई हादसा हो ही जाता है, वो तो शुक्र है कि मैं आपको मिल गया। आपने गाड़ी क्यों रोक दी सर? बस मैम दो मिनट, अभी चलता हूँ। मुझे बहुत लेट हो गया है। अरे कौन हो तुम? ये कौन है? मैंने पूछा ये कौन है, जवाब दो मेरा, कौन है ये? मुझे घर जाना है, मुझे बताओ ये कौन है, ये क्या बदतमीजी है? चुप, एकदम चुप। अगर ज्यादा होशियारी की ना तो ये सर धड़ से अलग कर दूंगा। प्लीज मुझे जाने दो। हाँ हाँ डार्लिंग छोड़ देंगे, एक बार हमारा काम हो जाए उसके बाद आराम से चली जाना। ए पकड़ दे इसे। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे इसे, छोड़ो चले इसे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो मुझे। ए चुप कर, काट दूंगा, ऐसा नहीं, मुंह बंद कर इसका। मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो, बे चुप, मुझे जाने दो। मैंने कहा बिल्कुल चुप हो जा। हाँ, जाने दो मुझे, बाहर जा, छोड़ो मुझे जाने दो। एक बार मेरा काम हो जाने दे, सिर्फ एक बार, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि जगह लड़कियों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मेरे भैया भाभी इंतजार कर रहे होंगे, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो ये तुम, छोड़ो छोड़ो मुझे, जाने दो। अरे यार सपना जल्दी करो। आ रही हूँ बाबा। आओ जल्दी। इतना समय लगता है क्या? अरे यार पार्टी में जा रहे हैं, किसी के चौथे में नहीं। और आप तो खामखा इतना गुस्सा कर रहे हो, और वैसे भी लड़कियों को रेडी होने में टाइम लगता है। अच्छा हाँ, वो अभी तक मोना नहीं आई, उसे फोन लगाओ, फोन लगाओ जल्दी। मैंने उसको फोन किया था, बोल रही थी रास्ते में। अभी लगाओ। ये स्विच ऑफ जा रहा है। मुझे दो। स्विच ऑफ बोल रहा है? वही तो बोल रही है, स्विच ऑफ जा रहा है। अरे यार पता नहीं कहाँ रह गई वो, अब क्या करें?
ओह शिट, इसको भी अभी खराब होना था। मुझे मीटिंग में जाना है यार, पहले ही इतना लेट हो रहा है। डैडी की गाड़ी ले जाओ। नहीं, वो तो बाहर चले गए। देखती हूँ यहाँ से कोई लिफ्ट मिल जाए। यार कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। शायद ये कार वाला मुझे लिफ्ट दे दे। स्टॉप 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 स्टॉप, प्लीज स्टॉप, रोकिए रोकिए। एक्सक्यूज मी, वो एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मुझे क्या आप उत्तम नगर तक लिफ्ट दे देंगे? हेलो। हाँ, आप मुझे उत्तम नगर छोड़ देंगे? या व्हाई नॉट, आइए बैठिए। वन मिनट। थैंक यू। वैसे यो गुड नेम। मेरा नाम प्रभाकर। प्रभाकर, नाइस नेम। थैंक यू। प्रभाकर जी, क्या मैं आपके साथ में एक सेल्फी ले सकती हूँ? सेल्फी? या श्योर। ओके, थैंक यू। थैंक यू। आपका नंबर मैं आपको, मींस मैं आपको सेल्फी भेज दूँ ना? या श्योर। ओके प्लीज। 9937 28। ओके, एक्सक्यूज मैम, मैम आपने मेरी फोटो, मेरी गाड़ी की फोटो और मेरा फोन नंबर किसे सेंड किया? अपने डैडी को। डैडी को क्यों? सेफ्टी के लिए। सेफ्टी? अरे बाबा, मैं समझाती हूँ। अभी मेरे डैडी को भी तो पता होना चाहिए ना कि मैं किस अनजान व्यक्ति के साथ लिफ्ट लेके जा रही हूँ या फिर आ रही हूँ, ताकि कल को कोई अनहोनी हो। तो मेरे डैडी को भी तो पता चले ना। वैसे सब आपकी तरह तो नहीं होते ना, अच्छे और हैंडसम। अब चले। हाँ चलो। वैसे मैम आपने मेरा नाम तो पूछ लिया, बट आपका नाम क्या है? टीना रॉय, पर आप मुझे टीना बोल सकते हैं। नाइस नेम। वैसे टीना जी, इस रोड पे हमेशा ट्रैफिक रहता है, लेकिन आज तो ट्रैफिक भी नहीं है। अरे टीना जी, आपने बताया नहीं आप करती क्या है। सेल्फी लेती हूँ आप जैसे लोगों की, आई मीन इंटीरियर डिजाइनर हूँ। अरे बातों बातों में पता ही नहीं चला आपका उत्तम नगर आ गया। ओ सच में? आपकी बातों बातों में पता ही नहीं चला। ओके बाय। बाय। वैसे ये बात सच है कि आप काफी हैंडसम हैं। मैं आपको आपकी फोटो भेज दूंगी और लिफ्ट देने के लिए थैंक्स। अबे यार, हद है। शिकार का क्या हुआ प्रभाकर? शिकार क्या, अगर शिकार लेके आता ना तो अभी तक हम सबका शिकार हो चुका होता। फोन रखो अभी, चल रहे। बाप रे, कितनी शातिर और चलाक लड़की थी। बेटा प्रभाकर, अगर आज तू उसके साथ कुछ भी उल्टी हरकत कर देता ना तो बुरा ही फंसता। शुक्र है बच गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी ऑन द वे। इस कहानी में दो अलग अलग लड़कियां, मोना और टीना, जहां मोना ने अपनी नादानी से अपनी इज्जत और अपनी जान गंवाई, वहीं टीना ने अपनी सूझबूझ और दिमाग का इस्तेमाल करके सुरक्षित अपने घर पहुंच गई। दोस्तों, हम ये नहीं कहते कि लड़कियां कॉल सेंटर में जॉब ना करें, ऑफिस में जॉब ना करें, प्राइवेट कंपनी में जॉब ना करें, और ना ही हमें उनके वेस्टर्न कपड़े पहनने से कोई प्रॉब्लम है। और दोस्तों, हम ये कहना चाहते हैं उन महिलाओं से, उन लड़कियों से, जो रात में या दिन में
सुनसान जगह पर किसी अनजान व्यक्ति से लिफ्ट लेती या किसी ओला या रिक्शे में सफर करती हैं, तो किसी अनजान व्यक्ति से लिफ्ट लेने से पहले या ओला रिक्शा में बैठने से पहले उसकी गाड़ी का नंबर, उस इंसान का नाम और उसका एक फोटो खींच के अपने मोबाइल से अपने पेरेंट, अपने माता पिता या नज़दीकी किसी दोस्त को भेज दें। बस इतनी सी सावधानी से आप सुरक्षित अपने घर पहुंच सकते हैं। और हम ये नहीं कहते कि हाँ अपराध खत्म हो जाएंगे, लेकिन हाँ अपराधी अपराध करने से पहले हजार बार सोचे और अपराध में कंकुश लगा सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं आपका दोस्त सुजील खान, फिर होगी मुलाकात किसी और घटना के साथ। तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। जय हिंद।